हेलो दोस्तों, तो स्टेशन मास्टर साइको टेस्ट ऑल टेस्ट करेंगे अपन आज, ठीक है। तो स्टेशन मास्टर साइको टेस्ट की सीरीज चल रही है, डेली आपको कोई ना कोई टेस्ट मिलता रहता है, ठीक है। तो अपन करेंगे आज पहला हॉट वन आउट का, ठीक है। तो पहला देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते ज़्यादा बातों में। तो इसमें देखो क्या चल रहा है, पहले तो अपन समझ में नहीं आएगा आपको। तो इसमें ऐसे इसमें भी 3 पॉइंट यहाँ पे भी आ रहे हैं भरे हुए, यहाँ भी आ रहे हैं, ये 2 खाली यहाँ भी आ रहे हैं, ठीक है। तो समझ में नहीं आएगा, तो फिर इसके पॉइंट लाइन गिनो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4, यहाँ सब में 4 4 4, और इसमें 5 और इसमें 4, तो समझ में आ गया ये अलग है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया, सेकंड, ठीक है। बचपन में आपने ये गेम खेला है कि यहाँ पे पॉइंट होती थी, पॉइंट पॉइंट बना देते थे, इसको मिला देते थे, ये अपना घर बन गया, खेला है। यहाँ पे एक पॉइंट होता था, लाइन खींच के दूसरे की चांस, ये एक घर बन गया। बताना किस किसने खेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब इसमें ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो देखिए आप क्या। अब देखो सर्कल दोनों में है, तो सर्कल वाला तो हो नहीं सकता ये, ठीक है। अब दूसरा दूसरा फिगर देखो, अब देखो इसमें एक स्क्वायर बना है, इसमें स्क्वायर बना है, इसमें स्क्वायर बना है, इसमें बना है स्क्वायर, इसमें कोई भी स्क्वायर नहीं बना, तो आंसर कौन सा हो गया, फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरो में मैंने एरो वाला बताया था, ठीक है। एरो सब में नीचे आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एरो का कोई चांस नहीं है। तो इसमें देखो एल बना है, तो बड़ा वाला हिस्सा इसमें लटका है, ये बड़ा वाला टच है इसमें, ये बड़ा वाला टच है, बड़ा वाला टच है, इसमें देखो ये छोटा है एल का, तो आंसर कौन सा हो गया अपना, फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट में क्या है। अब इसमें सारे सेम बने हुए हैं, ठीक है, और सेम डिवाइड है, सब में सेम पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें दो, ये जो दो बने हैं पॉइंट पर लगे हुए हैं, इसमें कितने का गैप है, 2 का गैप है, इसमें 1 का गैप है, इसमें कितने का गैप है, 2 का गैप है, इसमें कितने का गैप है, 3 का गैप है, इसमें कितने का गैप है, 3 का गैप है, ठीक है। तो ये 3 का, ये 3 का, ये 2 का, ये 2 का, ये 1 का गैप है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है और थर्ड पार्ट मैच हो रहे हैं, और फोर्थ और फिफ्थ पार्ट मैच हो रहे हैं, बट ये सेकेंड किसी से मैच नहीं हो रहा, तो आंसर क्या लगाएंगे अपन, सेकेंड। अब ये पत्ती वाला क्वेश्चन तो देखते से ही पता लगाना चाहिए, सब में 3 3 पत्ती आ रही है, इसमें 4 आ रही है, ये ऐसे में तो टाइम भी वेस्ट नहीं करना। अब ये देखो, अब इसमें क्या हो रहा है, 2 बाहर हैं 2 अंदर हैं, 2 बाहर हैं 2 अंदर हैं, 2 एरो 2 बाहर हैं 2 अंदर हैं, 2 अंदर हैं 2 बाहर हैं, ठीक है, सब में सेम चल रहा है, कोई पता नहीं चल रहा। अब देखो ये 2 बाहर वाले हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, अंदर वाले एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये बाहर वाले अपोजिट हैं, ये एक ही लाइन में आ गए, ठीक है। अब ये देखो ये अपोजिट है और ये एक ही लाइन, ये अपोजिट है, इसमें लाइन एक ही लाइन में, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट तो आप देखना, जो इसमें ये वायर बन रहे हैं, तो ये पूरे कंप्लीट बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये बन रहे हैं, तो ये कंप्लीट बन रहे हैं, ठीक है, ये बन रहे हैं, तो ये कंप्लीट कंप्लीट बन रहे हैं, और ये आगे जो ये वाली लाइन है, ये सब में आ रही है देखो, ठीक है, बट इस वाले में ये लाइन गायब है यहाँ पे, आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट में क्या है। अब एरो वाला मैंने बताया, देखो सारे एरो एक डायरेक्शन में, ये अलग भाग रहा है, तो आंसर कौन सा लगा देंगे, फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट में क्या आ रहा है। अब एरो, ये दोनों एरो सेम है, इसमें दोनों में पॉइंट बने हैं, इसमें ये दोनों में सेम फिगर है, सेम फिगर है, इसमें एक एरो एक अलग फिगर है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें क्या चल रहा है, तो इसमें एरो वाला मैंने बताया, ठीक है, एरो के सामने पॉइंट है, एरो के सामने इसमें पॉइंट नहीं है, एरो के सामने पॉइंट है, एरो के सामने पॉइंट है, एरो के सामने पॉइंट है, तो इस वाले में नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट में देखते से पता पड़ेगा, ये देखो सेम है सारे, सब में सेम सेम आ रहे हैं, इस वाले में ये अलग उल्टा हो गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें क्या आ रहा है, फिर एरो देखेंगे, तो इसमें एक एरो यहाँ पे आ रहा है, इसमें 2 एरो आ रहे हैं, एक एरो 2 एरो, एरो से पता नहीं चल रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, तो इसमें 4 पॉइंट है, इसमें 3 है, इसमें 4 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 4 हैं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, ये वाला, इसमें खाली 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, अब इसमें सॉरी, अब इसमें देखो, अब इसमें आपको पता नहीं चल रहा है, सब सिंबल सब में मिल रहे हैं, ठीक है, स्टार भी है, हैश भी है, सर्कल भी है, और 2 लाइन भी है, ठीक है, तो सब में मिल रहा है, तो अपन देखो क्या करेंगे। अब देखो स्टार है, सर्कल और ये लाइन, स्टार है, सर्कल और लाइन, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, स्टार है, सर्कल और लाइन, ये क्लॉकवाइज हो गया, स्टार है, सर्कल, लाइन, एंटी क्लॉकवाइज, स्टार है, सर्कल, लाइन, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज, तो आंसर हो गया थर्ड।
या अगर रेगुलर करते रहोगे तो आपको हाल दिखेगा आंसर, ठीक है। अब देखो, अब इस वाले ये अच्छा पहला पहली बार आया, देखो इसमें, अब इसमें देखो ये सब फिगर सेम बन रहे हैं कोई, ठीक है, ये भी सेम बन रहे हैं, ये ए भी सेम है, ठीक है, जी भी सेम है, डिफरेंस तो क्या है, ये अंदर जो नंबर लिखे हैं, ठीक है, तो ए और जी, जी कौन से नंबर पे आता है, सातवें पे, ठीक है, सेवन पे आता है जी। अब आप जीरो प्लस सेवन जोड़ोगे तो क्या आएगा, सेवन, सेवन जोड़ोगे तो सेवन का सेवन आएगा, फोर प्लस थ्री जोड़ोगे क्या आएगा, सेवन, सिक्स प्लस वन जोड़ोगे क्या आएगा, सेवन, बस थ्री प्लस वन जोड़ोगे क्या आएगा, फोर, तो आंसर कौन सा हो गया अपना, फाइव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें देखो 150 150 ये दोनों सेम फिगर बन रहे हैं, मतलब इसका ये बस अपोजिट हो गए, ठीक है मेरा, और इसका ये हो गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब इसमें जो फिगर बना है और जो नीचे लेटा है, ठीक है, छोटा वाला, ये इस वाले जो हिस्सा है ना इसका, इसमें लेटा हुआ है, देखो सब में लेटा हुआ है, इसमें टच है, बट इधर इसमें आ गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब इसमें देखो क्या चल रहा है, अब इसमें जो एक साइड का ये भरा हुआ है, सब में भरा हुआ है, ठीक है, पता नहीं चल रहा। अब ये जो वाला जो ट्रायंगल है, इसमें से छोटा वाला ट्रायंगल यहाँ पे खाली है, इसमें भी खाली है, इसमें भी खाली है, इसमें भी खाली है, बट इस वाले में ये भरा हुआ है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट में क्या चल रहा है, अब इसमें देखो 1 3 1 3 1 3 1 3, बट इसमें ये 3 उल्टा हो गया, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें देखते से ही पता चलेगा, देखो ये दो बस ओवरलैप हो रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये तीनों एक दूसरे को कर रहे हैं, आंसर कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ। अब इसमें देखो क्या चल रहा है, अब इसमें अगर आप देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम में तो टाइम ले जाओगे, तो ये देखो सब में सेम फिगर बन रहे हैं, तो आप क्या देखोगे, ये आपने देखा ही नहीं होगा, ये इसमें ये दो डंडी निकल रही हैं, इसमें ये दो निकल रही हैं, इसमें दो निकल रही हैं, इसमें भी दो निकल रही हैं, इसमें खाली एक निकल रही है, आंसर कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट में क्या है, अब एरो देखेंगे, तीनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों सेम एक दूसरे के, तीनों अपोजिट 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 बाहर जा रहे हैं एक दूसरे के, अब ये से मिल रहे हैं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। अब इसमें देखो क्या चल रहा है, सातिया बना हुआ है, सब में सेम है, कोई उल्टा नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखो क्रॉस सर्कल प्लस एरो, क्रॉस सर्कल प्लस एरो, क्लॉकवाइज चल रहा है, क्रॉस सर्कल प्लस एरो, क्रॉस सर्कल प्लस एरो, क्लॉकवाइज चल रहा है, क्रॉस सर्कल, अब ये प्लस यहाँ पहुँच गया, एरो यहाँ पहुँच गया, ये गड़बड़ हो गई, आंसर कौन सा हो गया, फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें देखो सारे ट्रायंगल सेम है, ठीक है, इसको छोड़ के, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, तो इसमें क्या है, देखो इसमें एक प्लस है, माइनस है, इनटू डिवाइड है, प्लस है, माइनस है, इनटू डिवाइड है, प्लस है माइनस है, इनटू डिवाइड है, प्लस है, माइनस नहीं है इसमें, ये छोड़ देंगे, प्लस है, माइनस है, इनटू डिवाइड है, प्लस है, माइनस है, इनटू डिवाइड है, इसमें देखो इसमें माइनस ही नहीं, आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट में देखो क्या चल रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्रॉस वाला अलग होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है और ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, ठीक है, तो ये आंसर अपना फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें जो ये है कॉर्नर, ये वाला, ये सब में मिल रहा है बट इसमें नहीं मिल रहा है, ये अंदर घुस गया है, ठीक है, यहाँ से ऐसे फिगर बन सकते हो, चोज बना दें कबूतर, आंसर कौन सा हो गया अपना, सेकंड वाला। अब ये देखो फिगर, ये देखो इसमें दो में डिवाइड है, सारे दो में डिवाइड है, ठीक है, बट दो के ये अलग 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 फिगर बने सब में, बट इस वाले में ये क्रॉस हो रहा है इधर, आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब इसमें देखो क्या मिल रहा है आपको, अब ये दोनों भाई बहन हैं सेम ऐसे ही, ये दोनों भाई बहन हैं, ठीक है, इसका कोई नहीं बेचारा अकेला है, आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक है, इसमें तीन है, इसमें पाँच है, इसमें चार है, इसमें कितने हैं, सात, तो सारे ऑड है, ये कौन सा, इवन है, सम संख्या है, आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो, अब इसमें एरो देखेंगे तो एरो या अलग एरो, एरो इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, एरो से पता नहीं चल रहा है, एरो में आपको ये दोनों सेम है, फोर फाइव वाले और बाकी तीनों सेम है, तो एरो से पता नहीं चल रहा है, ठीक है। अब ये देखेंगे, देखो ये ऐसा है, इसमें भी ऐसा है, इसमें भी सी बना हुआ है, अब ये सी के बाहर निकल गया पर, ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड।
अब ये पत्ती बनी है, तो पत्ती का जो वाइट वाला हिस्सा है, दो का पास है एक का दूर 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 है, इनमें तीनों पास में हो गए, आंसर कौन सा हो जाएगा? फिफ्थ। अब इसमें क्या चल रहा है, इसमें देखेंगे अपन तो एरो देखेंगे, तो एरो से कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ये अलग है, तो एरो से कुछ पता नहीं चल रहा है। अब एरो की जगह दूसरा देखेंगे, स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें ट्रायंगल इसमें, इसमें है, इसमें है, बट इसमें ट्रायंगल देखना, सारे सेम बने हुए हैं, बट ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये देखो उल्टा बना हुआ है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? फर्स्ट। अब ये देखो, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें देखो खाली कितने, इसमें भी चार खाली है, इसमें भी चार खाली, इसमें भी चार हैं, इसमें भी चार हैं, इसमें भी चार हैं, पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आपने जो जो फिगर देखा होगा, टेट्रिस खेला होगा बचपन में वीडियो गेम में, वो जमाते हैं, तो ये फिगर देखा होगा आपने, ठीक है। तो ये अगर जब ये नीचे आता है ऊपर से, तो फिर ऐसे होता है, फिर ये ऐसे हो जाता है, ठीक है, फिर ये ऐसे हो जाता है, ठीक है, फिर ये ऐसे हो जाएगा सीधे। अब जो आगे स्टेप आएगा, तो यहाँ पे आना चाहिए ना, ऐसे वाला आना चाहिए था, ये फर्स्ट वाला ही रिपीट होना चाहिए था, बट इसमें इधर हो गया, तो आंसर कौन सा हो गया अपना? फिफ्थ। अब ये देखेंगे, तो इसमें एक फिगर पकड़ लो, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ठीक है, एट है, एट है, एट है, एट है, एट है, ये क्रॉस वाला डब्बा इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें क्या चल रहा है, अब ऐसे फिगर में टाइम लेते हैं ये, तो आप अगर देखोगे तो इसमें लाइन काउंट कर लो, एक जो एक तो ये फिगर तो बना ही है सब में, ठीक है। अब लाइन फिगर बना है, अब इसकी लाइन काउंट कर लो, एक दो तीन चार पाँच, 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 सब में पाँच पाँच है तो पता नहीं चल रहा है। तो इसमें देखो क्या करो, इसको आप फिगर को ऐसे लेटाओगे, तो ये वाला जो लेफ्ट वाला हिस्सा है ये कलर्ड है, इसमें भी लेफ्ट वाला हिस्सा कलर्ड है, इसमें भी लेफ्ट कलर्ड है, और इसमें इसको अगर ऐसा सीधा कर दोगे यहाँ से, तो लेफ्ट कलर्ड है, बट इसमें राइट कलर्ड है, ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? फोर्थ। अब ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है, 12 से 12 मिनट में हो गया। अब नेक्स्ट सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट है, तो इसमें आपको क्या करना है, ऑड वन आउट है, ऑड सॉरी ऑड नंबर का, ऑड नंबर का एडिशन है, ठीक है, ऑड नंबर कौन से होते हैं, एक तीन पाँच सात और नौ, ठीक है। तो मैंने आपको बता चुका है तरीका, एक शॉर्ट ट्रिक हुआ है, नहीं तो आपको डायरेक्ट ऐड करना है तो डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि डायरेक्ट ऐड करेंगे ऑड नंबर कौन से हैं, 5 1 6 6 और 3, 9 9 और 3 12, 12 12 और 5 17, 17 और 5, 17 5 22, 22 22 22 और 3, 25 25 25 और 3, 25 और 3, 28 28 28 और 5, 28 और 5, 33 33 आ रहा है, ये आ गया, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया कि डायरेक्ट, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी और आपको ऑड नंबर दिखेगा तो ऐसे कर सकते हो। एक हो गया कि आपको फाइव काउंट नहीं करना है, ठीक है, बाकी के करना है, और जगह 10 से ऊपर जाता है डिजिट, जैसे 12 आती है तो खाली 2 लेंगे यूनिट डिजिट, ठीक है। अब इसमें देखते हैं वैसे करके, और 5 को बाद में काउंट करेंगे, जैसे कि 1 1 और 3, 4 4 और 3, 7 7 7 7 7 7 7 और 3, 10, तो 10 का 0, फिर 3 लेंगे, 3 3 3, तो यूनिट डिजिट या तो 3 आएगी, अगर इसमें 5 ऐड कर देंगे तो क्या आएगी, यूनिट डिजिट 8। तो देखो 3 वाला भी है और 8 वाला यूनिट डिजिट है, नहीं है, तो आंसर डायरेक्ट अपन ये कर देंगे, फिर अपन 5 को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर एक यूनिट डिजिट मिल रही है डायरेक्ट तो वही कर देंगे, अगर इसमें 8 भी मिलता, जैसे कि 28 होता, तो अपन फिर 5 काउंट करते कि एक 5 यहाँ पर है, ठीक है, दूसरा 5 यहाँ पर है, तीसरा 5 यहाँ पर है, और चौथा 5 यहाँ पे, 4 5 है मतलब इवन में है, तो 20 हो जाएगा, तो 20 में 3 आएगा, तो यूनिट डिजिट 3 ही आएगा, ठीक है, ऐसे करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब देखो इसमें अब 5 छोड़ देंगे, 5 5 5, 2 होगा यहाँ तक, 5 छोड़ देंगे, 9 9 9 9 और 9, 18 की 8 लेंगे, 8 8 8 8 और 1 9 9 और 1 10, तो 0 ले लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो 1 1 और 9 10, फिर 0 ले लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो 3, तो यूनिट डिजिट या तो 3 आएगी, 5 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, आपसे में 8 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, बट आपने अगर 5 ध्यान से ऐसे लाइन से जब कर रहे थे, तो 5 बस यहाँ पे 2 बार ही आ रहा था, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, ठीक है, तो 0 आ जाएगा, तो 3 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 43। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, अब इसमें देखो 5 छोड़ो, एक 5 यहाँ पे मिल गया, 5 पे भी ध्यान देते जाना कितने दिन मिल गए, ठीक है, और बाकी ऑड पे भी देते जाना,
दो फाइव मिल चुके हैं, अब यहाँ पे वन मिला है, वन 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 टू वन और थ्री 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 और एक फोर, फोर और सेवन इलेवन की वन, अब वन 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 और नाइन टेन का ज़ीरो और ज़ीरो ज़ीरो नाइन 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 और एक टेन, तो ज़ीरो आएगा यूनिट डिजिट, फाइव ऐड करेंगे तो फाइव आएगा। अब देखो ज़ीरो तो मिल रहा है और फाइव भी मिल रहा है, ठीक है। फाइव देखो यहाँ पे दो ही मिल रहे थे, एक यहाँ पे मिल रहा है और दूसरा यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो दो फाइव मिल रहे थे मतलब ज़ीरो ही यूनिट डिजिट आएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्टी। नेक्स्ट में देखेंगे, अब इसमें बहुत सारे फाइव हैं, आपको दिख ही रहे होंगे, ठीक है। तो पहले फाइव काउंट कर लो, एक फाइव, ठीक है, एक फाइव, दूसरा फाइव, तीसरा फाइव, ठीक है, चौथा फाइव, पांचवा फाइव, मतलब जो आएगा उसमें फाइव ऐड होगा क्योंकि ऑड में है। अब बाकी रिमेनिंग देखेंगे तो तीन, तीन और तीन छः, छः छः छः, छः और सात तो तेरह, तेरह के तीन लगाएंगे, फिर तीन और तीन छः, छः छः छः, छः और तीन नौ, नौ तो नौ में पाँच, नौ आ रहा है लास्ट, नौ में पाँच जोड़ेंगे तो चार आएगा, तो चौथी डिजिट इसमें है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, 44। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे, वन और थ्री फोर, फोर और वन, फोर और वन फाइव, फाइव और सेवन ट्वेल्व, ट्वेल्व की टू लेंगे, टू टू टू, टू और सेवन नाइन, नाइन और वन टेन, ज़ीरो लेंगे, ज़ीरो ज़ीरो और सेवन, सेवन और थ्री टेन, ज़ीरो हो जाएगा, फिर ज़ीरो सेवन और टेन, तो यूनिट ज़ीरो आएगी, फाइव ऐड करेंगे तो फाइव आएगी, तो फोर्टी और थर्टी फाइव दोनों है। अब इसमें फाइव अपन ने देखा था जब तक अपन यूज़ कर रहे थे, तो फाइव एक भी नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है, एक भी नहीं आ रहा है, तो यूनिट डिजिट जीरो ही आएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, 40। अब देखो इसमें, देखो इसमें थ्री और नाइन ट्वेल्व, टू टू और टू, थ्री और नाइन ट्वेल्व, तो ट्वेल्व का टू लेंगे, फिर वन थ्री, थ्री थ्री थ्री, थ्री और सेवन टेन, तो जीरो हो जाएगा, फिर नाइन लेंगे, नाइन 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 नाइन, नाइन और थ्री ट्वेल्व, तो टू आएगा, टू 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 टू, टू टू और नाइन इलेवन, इलेवन का वन, वन और वन टू, यूनिट डिजिट टू आएगी, फाइव ऐड करेंगे तो सेवन आएगा। अब देखो टू मिल रहा है और सेवन भी मिल रहा है, तो फाइव काउंट कर लेंगे, फाइव देखो, फाइव 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 फाइव, एक नज़र में देखेंगे तो एक फाइव आ रहा है यहाँ पे बस, तो टू में फाइव ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, सेवन वाला यूनिट डिजिट, तो आंसर हो जाएगा 47। ठीक है, तो ऐसे ही ये हैं कुछ, इसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लेना सारे, देखो इतने सारे हैं, ठीक है। मैं अगर सारे कराऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, और आप प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। अपन नेक्स्ट टेस्ट करते हैं, स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट, तो इसमें क्या होता है, शॉर्टेस्ट रूट होता है, इसमें तो आपके 40 में से 40 नंबर आना चाहिए, ठीक है, इसमें एक भी गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें, देखो ई से एक्स पे जाना है, अब एक्स पे कोई घर है, नहीं है, ई पे कोई घर है, नहीं है, अब इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, ये सेवन आ रहा है, आंसर क्या लगा देंगे, सेवन। ई टू आर, आर पे कोई घर है, नहीं है, अब ई पे है, ई पे, अब ये ई से आएगा पाँच से, और ये आर, आर पे नहीं बना पॉइंट, ठीक है, तो पाँच आंसर हो जाएगा इसका। अब डब्लू टू वाई, वाई पे कोई घर है, नहीं है, डब्लू पे कोई घर है, नहीं है, बट ये जाएगा कहाँ से, सात से ही जाएगा, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सात। एफ टू के, के पे कोई घर है, एट है, तो आपको F वाला देखना ही नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर लगा देना 8। अब B टू Y, Y पे कोई घर है, नहीं है, B पे कोई घर है, 3 है, तो इसका डायरेक्ट आंसर 3 लगा दोगे, सॉरी 3 लगा दोगे। Y टू X, Y पे है, X पे नहीं है, कोई भी नहीं है, ठीक है, तो ये यहाँ से X के पास 7 है, तो 7 ही आंसर होगा इसका। अब E टू P, अब P पे कोई घर है, नहीं है, E पे कोई घर है, नहीं है, बट इनके पास में कौन सा आ रहा है, 5 आ रहा है, तो यहाँ ऐसे आएगा 5 से, और यहाँ से ऐसे मुड़ के P पे, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 5। अब जी टू के, के पे कोई घर है, 8 है, तो के वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 8। पी टू एल, एल पे कोई घर है, 9 आ रहा है, ठीक है, अब तो 9 के पास आ रहा है, तो आंसर इसका 9 ही लगा दो डायरेक्ट, देखना ही नहीं है आपको। पी टू एफ, अब एफ पे कोई घर है, नहीं है, अब पी पे कोई, सीधा सीधा जाएगा, अब देखो पी टू एफ, ठीक है, अब यहाँ से आप कैसे ले जाओगे, तो यहाँ से ये 5 से ले जाओ सीधा, और ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, 5। तो ये हो जाएगा हाल, इसमें ज़्यादा मिनट नहीं देना है, एक मिनट में करना है या दो मिनट में करना है। अब देखो ई टू आई, आई पे कोई घर है, 8 है, तो जितने भी आई के क्वेश्चन होंगे ना, सब पे 8 लगा दो, जैसे कि 8 है, ये भी 8 आंसर आएगा, ये भी 8 आंसर आएगा, ठीक है, फिर देखना ही नहीं, क्योंकि आई पे घर ऑलरेडी बना है, कोई भी कहीं से भी आएगा यहीं से तो होके गुजरेगा, ठीक है। अब एक्स टू ई, ई पे कोई घर है, नहीं है, एक्स पे कोई घर है, नहीं है, तो अपन किससे निकालेंगे, 4 से निकालेंगे, ये 4 मिलेगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। ई टू पी, पी पे कोई घर है, नहीं है, ई पे कोई घर है, नहीं है, अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ये 2 से जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई टू पी, 2। एक्स टू आर, आर पे कोई घर है, नहीं है, एक्स पे कोई घर है, नहीं है, बट इन दोनों के बीच में कौन है, 4, 4 से जाएगा। अब डी टू ई, ई पे कोई घर है, नहीं है, डी पे कोई, डी पे 7 है, तो आंसर क्या लगा देंगे इसका, 7।
अब एस टू डब्लू, डब्लू पे कोई घर है, देखो वन है, तो डब्लू वाले का आंसर वन ही होगा, फिर देखना ही नहीं है कहाँ से आ रहा है। जी टू एल, एल पे कोई घर है, टेन है, तो देखो इसका डायरेक्ट टेन लगा दो, देखो ही मत। ओ टू एम, एम पे कोई घर है, नहीं है। ओ पे कोई घर है, नहीं है, तो कहाँ किसके कौन सा पास है, नाइन पास है ना, तो ये नाइन से ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसे शॉर्टकट शॉर्टकट जल्दी करती तरीके से करना है कि आपको एक घर मिल रहा है, जैसे कि एट पे घर बना है, टेन पे घर बना है, एन पे बना है, ठीक है, और यहाँ पे डब्लू पे बना है, ठीक है, और यहाँ पे टी पे बना है। तो अगर क्वेश्चन में ये आ गए, जैसे कि आई वाला कोई क्वेश्चन आ गया, तो आपको देखना ही नहीं है रूट, डायरेक्ट आठ लगाना है। अगर यहाँ पे देखो एक्स का यहाँ पे क्या होता है, डब्लू होता, तो आपको डायरेक्ट क्या लगा देते, वन। अब जैसे कि एल होता, एफ टू एल, तो एल पे क्या लगाते थे, डायरेक्ट आंसर टेन। अब जैसे कि यहाँ पे एन है, एम के एन होता, तो एन की जगह क्या लगाते थे, डायरेक्ट नाइन। अब यहाँ पे टी होता कोई, यहाँ पे जैसे टी होता, तो डायरेक्ट आंसर क्या लगाते थे, सिक्स। और यहाँ पे आई वाला है, आई पे क्या है, एट, डायरेक्ट आंसर। तो ऐसे तो चार पाँच क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे आपके, पहले देख लेना एक बार, नज़र मार लेना कि किस किस से घर बने हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट है, इसमें से आपको प्रोसेसिंग बॉक्स मिलेगा और आपको इनपुट आउटपुट पता करना पड़ेगा, ठीक है। इनपुट आपको दिया होगा, आउटपुट आपको देखना पड़ेगा और वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें लगाते हैं, और जो खाली हैं वो अपन को नहीं करना, जो भरे हैं उन्हीं को देखना। इनपुट जैसे कि इसमें ट्रायंगल दिया है, तो क्या है, 11 नंबर है, ठीक है, 11 है इनपुट। अब इसका सम करेंगे तो ऊपर देखेंगे प्लस वन है और यहाँ पे माइनस वन है, तो और ये माइनस थ्री है, माइनस टू है, ठीक है, प्लस टू है, प्लस वन है, और प्लस वन है और माइनस टू है। तो देखो प्लस टू माइनस टू ये कैंसिल हो गए, ये आपको मन में करना पड़ेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा ये चारों बचेंगे, ठीक है। तो उसमें अब देखो प्लस वन, और ये दोनों प्लस प्लस के हैं और ये माइनस का है, तो यहाँ पे तो ये जीरो हो गया। अब बचेगा क्या खाली, ये माइनस के थ्री, तो 11 में से तीन जाएंगे, कितना बचेगा, आठ। आठ पे कौन सा नंबर आ रहा है, ये वाला स्क्वायर, ये तो ये यहाँ पे कितने पे आ रहा है, चार पे, तो आंसर हो जाएगा चार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो एक्स एक्स अभी आपको मन में करना है, ठीक है। अब मन में करना है प्लस माइनस कहाँ आ रहे हैं, देखना है, इधर भी देखना है, इधर भी देखना है। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल, बचे ये और छोटा हो गया क्वेश्चन, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस, तो माइनस के टू आएगा। इनपुट कितना है, छोटा सर्कल कितना है, दस पे, दस में से दो गए क्या आएगा, आठ। आठ पे क्या बना है, ये छोटा स्क्वायर, यहाँ पे कितने बना है, चार पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, चार, ठीक है। ऐसे ही जल्दी जल्दी और शॉर्ट तरीके से करना है आपको, ठीक है। आपको एक एक नहीं करना कि इनपुट आप ले लिया नाइन, फिर ये कर रहे हो, फिर ये कर रहे हो, ऐसे नहीं, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखो प्लस टू और माइनस टू, ये तो हो गया ऊपर वाला जीरो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ रहा है माइनस थ्री, माइनस वन, ठीक है, और यहाँ प्लस थ्री, माइनस थ्री, और ये हो जाएगा प्लस टू, माइनस टू, तो ये यहाँ ले भी जाए, यहाँ पे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अब बचे ये तीनों, माइनस थ्री, माइनस तीनों माइनस में, तो ये माइनस के सेवन हो गए, नौ में से सात गए, दो। दो पे कौन सा आ रहा है, ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल कितने पे आ रहा है, दो पे आ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट में क्या चल रहा है, अब देखो इसमें अब प्लस माइनस इसमें आ रहा है और प्लस माइनस में भी आ रहा है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, प्लस माइनस में भी आ रहा है और प्लस प्लस ये माइनस है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब देखो ये दोनों कैंसिल, ठीक है, ये दोनों कैंसिल, ठीक है। अब देखो ये प्लस के दो हो जाएंगे और यहाँ से माइनस, ये कैंसिल, अब बचा क्या, प्लस के थ्री, और यहाँ पे इनपुट पे क्या, बड़ा बॉक्स कितने पे, पाँच पे, पाँच और तीन आठ, आठ पे कौन सा आ रहा है, छोटा वाला, छोटा वाला यहाँ पे चार पे आ रहा, आंसर हो जाएगा फोर। ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व करना है आपको, एक एक करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखो इसमें प्लस वन, माइनस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, माइनस थ्री, माइनस टू, प्लस वन। अब देखो माइनस थ्री प्लस थ्री आ रहा है, ये हो गया जीरो, ठीक है, प्लस वन माइनस आ रहा है, ये हो गया जीरो, प्लस टू माइनस टू आ रहा है, ये हो गया जीरो, बचा क्या, प्लस वन, और ये कितने पे आ रहा है, सात पे, सात प्लस एक आठ, आठ पे कौन सा आ रहा है, छोटा ट्रायंगल, ये वाला, आंसर हो जाएगा फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट में क्या देखो, प्लस वन माइनस वन जीरो, प्लस टू माइनस टू जीरो, कैंसिल। अब देखो माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो, प्लस टू माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस वन, और इस इनपुट क्या है, सिक्स, सिक्स में से एक गया, तो क्या होगा, पाँच, पाँच पे कौन सा आ रहा है, बड़ा वाला स्क्वायर, तो यहाँ पे ये एक नंबर पे, आंसर क्या हो जाएगा, एक। इसमें देखेंगे, तो इसमें देखो क्या चल रहा है, अब प्लस वन माइनस टू, अब ये तो जीरो हो गए नीचे के, ठीक है, और नीचे वाले यहाँ पे देखेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, ये तीनों,
तो इसमें माइनस माइनस के चार, माइनस के पाँच, प्लस का एक, तो ये हो जाएगा माइनस के चार। अब इनपुट क्या है, बड़ा वाला, ये कितने पे, पाँच पे, पाँच में से चार गया, बचा एक, एक पे क्या आ रहा है, ट्रायंगल, ट्रायंगल यहाँ दो पे आ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, दो। ये बहुत ध्यान रखना कि ये ट्रायंगल यहाँ पे एक पे आ रहा है, बट यहाँ पे एक पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे दो पे आ रहा है, तो दो लगा ना, गलती से क्या हो जाता है, एक पे आ रहा है, यहाँ पे एक लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसमें यही देखना है, नहीं तो आते हुए क्वेश्चन गलत होंगे। अब इसमें देखो प्लस टू माइनस टू जीरो, ठीक है, और यहाँ पे प्लस टू और ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ठीक है, प्लस टू माइनस टू ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ठीक है, प्लस वन माइनस वन ये दोनों जीरो हो जाएंगे। अब माइनस के थ्री प्लस के वन, क्या बचा, माइनस के टू, और ये इनपुट कितना आ रहा है, चार, चार में से दो गए दो। अब देखो ये दो नंबर पे क्या आ रहा है, ट्रायंगल, अब यहाँ पे दो नंबर पे ही ट्रायंगल आ रहा है, तो आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब देखो इसमें, अब नीचे देखो, नीचे के बन रहे हैं, अब ये तो जीरो हो गया, ये तो पता ही है जीरो है, और ये भी जीरो हो जाएगा, नीचे के तो ये सारे जीरो हो जाएंगे, बचा ऊपर का, तो ये हो जाएगा प्लस थ्री। अब इनपुट कितना आ रहा है, सर्कल, सर्कल भी तीन बार आ रहा है, तीन और तीन छः, छः पे कौन सा आ रहा है, छोटा स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पे कितने पे आ रहा है, पाँच पे, आंसर हो जाएगा फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी देखेंगे, तो पहले तो ये लाइन हटा लिया करो, क्योंकि वही सेम ही प्रोसेसिंग बॉक्स आएगा, अलग नहीं आएगा 10 क्वेश्चन में या 5 क्वेश्चन में। अब देखो ये हट गया, ठीक है, जीरो हट गया, अब देखो प्लस वन माइनस वन, और ये भी हट गया, और यहाँ पे बचा माइनस थ्री, प्लस थ्री, ये भी हट गया, बचा क्या, खाली एक, प्लस टू बचा। अब स्मॉल कौन सा है, दो, दो दो चार, चार पे कौन सा आ रहा है, सर्कल, सर्कल यहाँ पे कितने पे आ रहा है, एक पे, आंसर हो जाएगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब इसमें देखो क्या चल रहा है, प्लस वन माइनस वन जीरो, और ये, और यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस वन और प्लस थ्री और माइनस टू, तो ये हो गया जीरो, और ये हो जाएगा यहाँ पे से दोनों मिलेगा चार, चार और तीन सात, सात और दो नौ, तो यहाँ पे प्लस के नाइन आ रहा है, इनपुट कितना है, एक, एक प्लस नौ दस, दस पे कौन सा आ रहा है, छोटा सर्कल, सर्कल यहाँ पे दो पे आ रहा है, आंसर लगा देंगे दो। तीन तीन चार चार सेकंड के क्वेश्चन है, अगर आप ऐसे प्रोसेस से करोगे, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये गया पूरा, बचा ये चार, अब देखो ये जीरो हो जाएंगे, ठीक है, और प्लस और माइनस के दो, माइनस वन बचेगा, और इनपुट में क्या आ रहा है, बारह, बारह में से ग्यारह, ग्यारह में बड़ा सर्कल, ट्रायंगल आ रहा है, बड़ा ट्रायंगल यहाँ पे कितने पे आ रहा है, पाँच पे, आंसर लगाएंगे सीधे पाँच। अब देखो आगे के बहुत क्वेश्चन है, ये लगभग 20-30 क्वेश्चन आएंगे, तो अब देखो इसमें देखो क्या है, प्लस टू माइनस टू ये हो तो जीरो हो गया, ठीक है, अब इसमें ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, अब माइनस थ्री माइनस माइनस, तीनों माइनस में है, तो आंसर कितना हो जाएगा, माइनस के सात, इनपुट कितना है, ग्यारह, ग्यारह में से सात गए, बचे चार, चार पे कौन सा आ रहा है, छोटा सर्कल, आंसर लगा देंगे वन। अब ये देखेंगे तो इसमें क्या है, अब ये हो जाएगा जीरो, ठीक है, जीरो हो जाएगा, और आगे देखेंगे ये भी हो जाएगा जीरो, अब बचा ये तीन, अब ये तीन देखेंगे तो प्लस थ्री माइनस थ्री ये भी जीरो हो जाएगा, बचा कितना, प्लस के दो, इनपुट कितना है, छोटा सर्कल, दस पे आ रहा है, दस प्लस दो बारह, बारह पे कौन सा है, छोटा ट्रायंगल ये वाला, तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है और ऐसे सेशन और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और एफर्ट के लिए कमेंट जरूर करें, ठीक है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कुछ तो कमेंट करके जाओ, ना लाइक होते हैं ना बस व्यू हो जाते हैं, बस ना कमेंट ना लाइक, ठीक है, एटलीस्ट एफर्ट के लिए तो करके जाओ कमेंट, ठीक है, तो ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे एग्ज़ाम टाइम तक, तो जुड़े रहिए चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू वेरी मच।